this award. I think it's very, very special. I think all you people do, I mean, what I've done is very small compared to what all of you do for the welfare of women and society at large. So it's extremely special because it's the most relevant award, I think, to what I've done. And I'd just like to say this, that sensitivity towards women is, I mean, you know, we don't need to react only when big atrocities happen. I think it's gender sensitivity needs to be recognized in regular life, in you know, daily spaces, in workplaces, in at home, and about and how we treat women and how we talk to them, because it's the small stuff that can actually damage a woman's self-worth, her feelings, her confidence, and above all, her identity as a woman. So I think we need to start with that. And there are a lot of good men out here and who can set a great example to the rest of the tribe. And let's hope to do that. Thank you. This city, big city, is an icon of all things. और आई मीन मुझे एहसान और क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है अच्छा काम करते हैं औरतों के लिए और सोसाइटी के लिए, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन अगर ये सिलेक्ट करती है कि मेरे जैसे कोई छोटे लोगों के लिए कि हमने कुछ डिफरेंस किया है, तो बहुत ही बड़ी बात है. तो मैं बहुत खुश हूँ. No, this is not a nomination. It is, they've already selected, it's for gender sensitivity in the mainstream cinema. That's the award I'm getting, special duty media award. No, I think any cinema that fulfills what it's supposed to do, which is entertain,
एंगेज एंड अपील इज गुड सिनेमा. बहुत अहम अवार्ड है और ये वक्त वैसे कई लोग ऐसा समझते हैं कि बड़ा निराशाजनक है, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत आशा का वक्त है ये. और औरतें आजकल अपनी जगह जो उनकी उनका स्थान है, जो उनका हक है, वो मांग रही हैं और वो अब उनको मिलेगा. और मुझे बहुत आशा है कि आज हर जगह हिंदुस्तान में ये सब हो रहा है और ये एक अवार्ड उसी तरह के एक प्रोत्साहन के रूप में है. और मैं अपने आप को छोटा समझता हूँ कि मुझे यहाँ बुलाया गया और शुक्रगुजार हूँ और बहुत फख्र है मुझे कि मैं यहाँ पे आज हूँ और इन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के मैं खड़ा हूँ. बाकी क्या उम्मीद नहीं हो तो क्या जिक्र करूँ. अब सरकार को लगता है कि जो ये इंडस्ट्री है वो एक कैश काउ है. एक्चुअली सिनेमा अगर है उस इंडस्ट्री है, इसको लिबरेट करना चाहिए, इसको एक कल्चर का रूप देना चाहिए, उसको दर्जा वो देना चाहिए. हम में से जो हैं, जो पैसा कमाते हैं, उनको टैक्स देना चाहिए. लेकिन बहुत सारे फिल्म मेकर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इंडिपेंडेंट सिनेमा बनाते हैं. आप इंटरटेनमेंट टैक्स लेते हैं, सर्विस टैक्स लेते हैं, आप TDS काटते हैं. एक फिल्म का बजट ही आज इतना इम्पॉसिबल सा हो जाता है कि एक इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर को बनाना ही फिल्म बड़ा मुश्किल है. तो ये इंडस्ट्री के साथ बहुत ज़्यादती है और पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम तो मनोरंजन करते हैं. कहीं कुछ सीख भी होती होगी हमारी फिल्मों में. कम से कम इतना तो करते हैं कि लोगों को एक हॉल में उनका कुछ वक्त अच्छे से गुजरता है, वो और कुछ हरकतें नहीं करते हैं. कहीं हम हंसने पे टैक्स क्यों है? कहीं मतलब किसी को एंटरटेन करने पे टैक्स क्यों है? कहीं इंसान खुश हो रहा है कहीं जाके, उस पर टैक्स क्यों दे रहा है? जो पैसा कमाए उससे टैक्स आप पैसा लीजिए ना, जैसे हर इंडस्ट्री से आप लेते हैं कि अगर हम में से जो पैसा कमाए उन्हें टैक्स कीजिए और जो टैक्स बनता है वो हमें देना भी चाहिए. लेकिन जो जिस तरह से टैक्सेशन रेजीम हम पे एक ऑलमोस्ट एक मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि लोग सेंसरशिप की बहुत बातें करते हैं उधर उधर, लेकिन ये टैक्सेशन रेजीम भी एक तरह का सेंसर है कि हमको आज़ाद काम करने से रोकता है ये मेरे ख्याल से. तो मुझे उम्मीद बिल्कुल ही नहीं है कि कुछ होगा, कुछ नहीं होगा. Why do we listen to such fringe groups? I don't get it. You know, I mean, see, there will always be a conflict between art and power. Because art is about liberation, power is about control. There are people with outmoded ideas who have, but you know, I mean, I think it's the job of the state and the government to make sure that these girls are protected, that they can sing, and all they want to do is sing. And it's lovely, those three young kids, you know, I mean, to stop them is obnoxious. So, I mean, but I think we give too much importance. See, the fringe does not represent India. Women have sung here for centuries. Women have danced here for centuries. Women have asserted an independent, sensual right to be, and you know, an Indian woman dancing is a glorious sight. So, I mean, I don't understand this, and this doesn't represent India at all. And I think these fringe groups should not be given this kind of publicity, and the government should come down very strictly on them.